जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं पूजा चौहान आप सबका सनफ्लावर गुजराती माध्यमिक शाला की ओर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में तीसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है व्यंजन। तो आज हम व्यंजन सीखेंगे। पहले हमने स्वर सीखे थे ना, तो अब हम व्यंजन लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ, आपको भी बोलना है और लिखना है अपनी नोटबुक में। आपको भी मेरे साथ व्यंजन लिखने हैं। तो यह क्या लिखा है? यह क लिखा है, क से कमल। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, क से कमल। इस तरह से आपको भी लिखना है। अब ख, ख से खरगोश। चलिए लिखिए मेरे साथ, ख से खरगोश। अब ग, ग से गमला, ग से गमला। अब आगे घ से घर। तो क्या लिखना है? घ से घर, घ से घर। अब च से चरखा। तो हमें क्या लिखना है? च से चरखा, च से चरखा। अब यह क्या है? छ, छ से छतरी। तो यहाँ लिखना है छ से छतरी, छ से छतरी। अब ज, तो झ से जहाज। तो क्या लिखना है? झ से जहाज, झ से जहाज। अब हमें लिखना है ज, ज से झंडा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? ज से झंडा। आपको भी ऐसे ही लिखना है, हाँ, ज से झंडा। अब ट, ट से क्या आता है? टमाटर। बहुत पसंद है ना टमाटर, तो सबको अच्छे लगते हैं। तो ट से टमाटर, इस तरह से लिखना है। अब आएगा ठ, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। अब ड, ड से क्या आएगा? डमरू। तो आपको क्या लिखना है? ड से डमरू, ड से क्या आता है? डमरू। अब ढ, ढ से क्या आएगा? बोलो, ढक्कन। तो ढ से ढक्कन, इस तरह से। ढ से क्या आएगा? ढक्कन। अब क्या आएगा? ण, ण। तो ण से क्या आएगा? बाण। तो ण से बाण, इस प्रकार आपको भी लिखना है।
अब आगे तो से तलवार, तो से क्या आता है तलवार, तो इस तरह तो से तलवार लिखना है। अब क्या आएगा थो, थो से थर्मोस, थो से थर्मोस, दो से दरवाजा, दो से क्या आएगा दरवाजा। अब आगे धो, धो से ध्वजा, धो से ध्वजा। अब नौ, नौ से क्या आएगा नल, तो नौ से नल। प से पतंग, तो लिखना है प से पतंग। अब आगे देखिए फ से फल, तो फ से लिखना है हमें फल। मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे आपको भी इस प्रकार ही लिखना है। बसे क्या आएगा सोचो, बसे क्या आएगा, हाँ बसे आएगा बसे बकरी। इस प्रकार लिखना है बसे बकरी। अब क्या है भो, बसे भवन, लिखो मेरे साथ बसे भवन। अब आगे देखिए यह क्या है म, तो म से मछली, म से लिखना है हमें मछली। अब य, य से क्या आएगा यज्ञ, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें यज्ञ, यज्ञ। फिर यह देखिए र, र से रक्षक। फिर ल से लड़की, तो इधर पे हमें क्या लिखना है ल से लड़की। अब वो, वह से वर्षा, फिर आगे स, स से सहनाई, स से क्या आएगा सहनाई। अब स, यह स से सब्जी, तो हमें लिखना है स से सब्जी, स से सब्जी। अब आगे स, स षटकोण, स से षटकोण, स से षटकोण। अब आगे ह, ह से हवन, तो हमें लिखना है और बोलना है ह से हवन, ह से हवन। अब श, इसे क्या बोलते हैं श, तो श से क्षत्रिय, स से क्षत्रिय। दिख रहा है ना आपको। अब त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से क्या आएगा त्रिशूल। अब ज्ञ, ज्ञ से क्या आएगा ज्ञानी, तो हम क्या लिखेंगे ज्ञ से ज्ञानी। अब आगे श्र, इसे हम क्या बोलते हैं श्र, तो यहाँ पर हमें लिखना है श्र से श्रवण, स से क्या आएगा श्रवण। तो यहाँ हमारे सब व्यंजन पूरे हुए। अब हम इसका रिवीजन करेंगे। क से कमल, ख से खरल, ग से गन गज, घ से घर, च से चरखा, छ से छतरी, झ से जहाज,
ज़ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, क से गजा, न से नहल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रक्षक, ल से लड़की, व से वसाद, सहनाय, स से सब्जी, स से षटकोण, ह से हवन, स से क्षत्रिय, ज्ञ से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रवण। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखते हैं? व्यंजन लिखना और पढ़ना, आपको दोनों आना चाहिए, व्यंजन लिखना और पढ़ना। तो आगे के लेक्चर में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।